चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ट्यूब वाला जो टायर है दोस्तों, गाड़ी का मैं शुरू से अंत तक पंचर बनाते हुए इनको इनका जो वीडियो है मैं आपको प्रस्तुत कर देता हूँ। और देखिए कैसे पंचर बनाते हैं टायर दुकान में, आपको मैं दिखा रहा हूँ शुरू से लास्ट तक। और जो पीछे का चक्का में जो लगा हुआ नट है उसको खोलते हैं पहले। ये देखिए खोला जा रहा है, देखिए टायर को निकाल दिया गया। ये देखो निकल गया ये टायर। अब इसको राड के सहारे अब इसको निकालेंगे और इसको चक्का के अंदर जो चार रबड़ है उसको किनारे रख दिए। अब हवा निकाल दिया जा रहा है जो बचा हुआ है टायर में। उसके बाद फिर देखिए फिर उसको टायर लीवर से जो राड है ये देखिए आपको दिखा रहे हैं उससे ट्यूब निकाला जाएगा। टायर के जो नलकी है को ढीला करके फिर उसके बाद उसको अंदर डालेंगे और अंदर डालने के बाद टायर लीवर से टायर निकाल के फिर ट्यूब को जहां पर ट्यूब को निकाला जाएगा। फिर जहां पर पंचर से लेके आ रहे हैं। अब ये देखिए देखिए दोस्तों कैसे निकालते हैं। ये मारे ये देखिए खतरनाक खड़ा होके उसको अच्छा मच के चारों तरफ ढीला करते हैं टायर को। खतरनाक खटोरा है ये देखिए, जहाँ जहाँ पकड़ा हुआ है टायर तो उसको निकालते हैं छुड़वाते हैं। ये देखिए ये देखिए टायर जो राड से निकाल उसको टायर लीवर बोलते हैं, उससे टायर को खोल दिया जाता है पर सावधानी पूर्वक, नहीं तो ट्यूब कट जाएगा। ट्यूब को देखते हुए आराम से टायर को निकालते हैं। सही सलामत ट्यूब बाहर निकालने के बाद उसको पहले हवा भर के चेक किया जाएगा। ये देखिए ट्यूब निकाल दिया गया है। ये देखिए पंचर कहाँ पर है उसको अंदाजा से अंदाज लगा के देखा जाएगा, हवा लगा के हवा भर के निकल गया। उसके बाद उसे हवा भरेंगे उसके बाद इसके बाद ये हो रहा है हवा भर रहा है।
भर दिया गया है, उसके बाद कहाँ पंचर उसको पे चेक करेंगे थूक लगा के, नहीं तो पानी में डाल के। और इसमें दो पंचर हो चुका पहले से, अब देखिए कितना पंचर निकलता है। ये देखिए पहले दो पंचर, एक दिख रहा है आपको, ये दूसरा है। पंचर का पता लगाया गया है और एक पंचर निकल गया है। अब वहाँ पर थोड़ा सा घिसाई चलेगा, ये देखिए अपने औजार से घिसाई करेंगे। पहले उसको रेत मशीन से घिसाई करते हैं, चिकना करते हैं उस जहाँ पर पंचर है। ये ओमनी छुपा दिया गया है, अब उसको रोलर मशीन से थोड़ा दबाया जाएगा, प्रेस किया जाएगा। अब हो गया दोस्तों, ये देखिए अब उसमें हवा भर के फिर उसको अंदर डाला जाएगा टायर के अंदर। इसको लगाते हैं क्या है जरूरी है क्या? टायर खराब इसके नाम से लगाएंगे। हाँ पंचर ज्यादा होता होगा? नहीं टायर अंदर से जो है ना टायर खराब है, हाँ इसीलिए इसको डाला जा रहा है। टायर खराब है मतलब जल्दी पंचर होगा इसीलिए डाला जाता है क्या? टायर खराब है मतलब क्या होगा? ट्यूनिंग के साथ मतलब पंचर जल्दी नहीं होगा। हाँ बहुत बड़ा बड़ा छेदा हो गया भैया, ये ट्यूबलेस टायर है ना, ट्यूबलेस टायर है, ट्यूबलेस में ट्यूब डलवा दिया। नहीं नहीं यहाँ वो काम वाला नहीं उठाता, वहां से उठाता है।
देखिए टायर को फिट किया जा रहा है, जो चारों तरफ जो रबड़ है उसको रबड़ को डाल दिया जाता है चक्के के रिंग में। उसके बाद देखिए जैसा निकाले उसको ऐसी पैकिंग कर देते हैं। दोस्तों टायर बन चुका है और अब बाय दोस्तों। ओके बाय। और देखिए चारों तरफ नज़ारा आप लोगों को दिखा रहे हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा है ये देखिए। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, फिर मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नया वीडियो प्रस्तुत करेंगे। ओके बाय दोस्तों।